अगर ग्रेटर देन केएसपी होता है, ग्रेटर देन केएसपी है इसका मतलब सॉल्ट हमने ज्यादा डाल दिए पानी के अंदर, जितनी सोल्युबल होनी चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्ट डालनी चाहिए हमने उसे ज्यादा डाल दिया, इसलिए आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी है, तो इस केस में सॉल्ट क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। और अगर इक्वल्स टू है तो हमें लगेगा कि प्रेसिपिट बन रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगी, और लेस देन है तो कोई प्रेसिपिट नहीं बनेगा, वो सॉल्यूशन होती है अनसैचुरेटेड। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यही सॉल्व करेंगे, नोट करना है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज 40 मिलीलीटर ऑफ 10^-2 मोलर, ये ले रहे हैं हम CaCl2 is mixed with 160 milliliter of 10^-3 molar K2SO4. Predict whether precipitate will be formed or not. If KSP of CaSO4 is equal to, एक मिनट को वैल्यू थोड़ा सोच के देने दो, ये आ जाएगा 10^-2 is 10^-8 is 10^-8, करो ट्राई।
हाँ निकाल लिया किसी ने आंसर? अरे वेदांत, कितना यस सर, होगी निकला आंसर? क्या निकला आंसर? सर मेरे हिसाब से प्रेसिपिटेशन होगी। होगी। अच्छा चलो ना, और किसने निकाला है वेदांत? उसकी आईपी की वैल्यू कितनी आई है CS4 की? सर 8 × 10⁻¹। हाँ आदित्य, तेरे क्या है आंसर? सर प्रेसिपिटेट बनेगा सर। बनेगा। आईपी कितना आया तेरा? सर सेम ही आया, 8 × 10⁻¹। कैसे किया बता देना। 8 नहीं सर, सॉरी 16 × 10⁻¹। कैसे आया बता। सर CaCl2 को डिसोशिएट करेंगे तो Ca2+ और SO4 2-, सॉरी 2Cl- बनेगा, तो उसमें 0.4 मिनीमोल होंगे, तो कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.4/200 Ca2+ की, और SO4 की आएगी K2SO4 से 8 × 10⁻¹⁰। ऐसे देख, अगर ये आदित्य तो तूने पूरा ढंग से किया है कॉपी में, तो तू कॉपी से देख के तो बोलना है, वो तू नहीं बोल पा रहा है बता। देखो इधर कैसे करना क्वेश्चन। देखो पहले तो CaCl2 है और इधर K2SO4 है। CaCl2 से तुम Ca2+ का कंसंट्रेशन निकालो मिक्स करने के बाद, किसके साथ? K2SO4 के साथ। ऐसे ही K2SO4 से निकालो SO4 2- का कंसंट्रेशन, कैसे? मिक्स करने के बाद। कब निकालना है? मिक्स करने के बाद, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Ca2+ को और SO4 2- को। इससे आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा CaSO4 का। उसको कंपेयर करो KSP से, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेशर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यही कंसेप्ट है इसका, एक बार देख लेते हैं जरा। देखो 40 मिलीलीटर ऑफ 10⁻²⁻² मोलर CaCl2 है, मिक्स किया है 160 मिलीलीटर, यानी टोटल वॉल्यूम हो गया 40, ये था 160, ये था, तो मिक्स करने के बाद 200 हो गया। तो निकाल लेते हैं इसको, 40 × 10⁻²² इज इक्वल टू 160। टोटल वॉल्यूम हो गया मिक्स करने के बाद 200, 200 के अंदर कितना आएगा CaCl2 वो निकाल रहे हैं। तो 40 से 5 जाएगा, यानी 5 यानी 2 × 10⁻³ आ जाएगा। वेदांत एक बार कैलकुलेशन चेक करता रहियो, 2 × 10⁻³ मोलर ये आ गया CaCl2, CaCl2 ये आ गया, तो Ca2+ भी यही हो गया, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+, क्योंकि जो CaCl2 का कंसंट्रेशन है वही Ca2+ का है। Cl- का चाहिए होता तो वो डबल हो जाता, Cl- का चाहिए होता तो डबल हो जाता। अब उसके बाद दूसरा क्या आ गया, CaSO4, CaSO4 आ गया, तो सॉरी K2SO4 आ गया। K2SO4 है 160 ml 10⁻³, तो 160 × 10⁻³ टोटल वॉल्यूम मिक्स करने के बाद हो गया 200, तो 200 × y मान लो उसको, तो y आ गया यहाँ से 4/5 यानी 0.8, यानी 8 × 10⁻⁴ ये आ गया K2SO4, एंड दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस। K+ सही होता तो इसका डबल होता, K+ सही होता तो इसका डबल होता। तुम्हें दिख रहा है K2SO4 के अंदर एक ही सल्फेट आयंस है, एक मोल सल्फेट आयंस, CaCl2 में एक मोल Ca2+ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। Therefore, IP of CaSO4 will be Ca2+ into sulfate ion. Ca2+ कितना है? वो है 2 × 10⁻³। सल्फेट आयन कितना है? वो है 8 × 10⁻⁴। तो ये आएगा 16 × 10⁻⁷। ये आएगा, ये आईपी आ गया CaSO4 का, विच इज ग्रेटर देन 16 × 10⁻⁴ है, -7 है, विच इज ग्रेटर देन 10⁻⁸। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। वेदांत कहाँ गलती की है? सर वो फ्रैक्शन में लेके मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करने में गलती कर दी। अच्छा, और आदित्य तेरा सही था ना ये? यस सर। तो फिर बोल क्यों नहीं पा रहा तू उसको? सर वो रफ में करा, थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा तो आदित्य थोड़ा सा ध्यान देना, इसी बता तूने सही निकाला आंसर, तेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
समझा देते कि नहीं? यस सर। चलो आदित्य के अलावा और किसका सही हुआ है? काजल आंसर तो बोला करो फिर, आंसर जरूर बोला करो। चलो एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन मैं इसका और दूंगा थोड़ा सा रुक करके, पहले हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, डाउट है दोबारा पूछो। आदित्य, वेदांत, गर्व, गर्व बोल नहीं रहा बिल्कुल भी आज। आदित्य, वेदांत, गर्व, छवि, बॉबी, युविका, नित्या, मयंक, आर्यमन, जानवी, कनिष्क, साक्षी, अर्णव, देवांशी, कृष्णा, शिखा, काजल, सिद्धि, किसी को डाउट है दोबारा पूछो। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो ये समझ आ गया तुम्हें। नेक्स्ट अब टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। फ्रैक्शनल सबने पढ़ा हुआ ना ये, फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सही ना, फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है, तुम्हें एक एक करके सबको प्रेसिपिट कराना है। प्रेसिपिट कराया एक को, पूरी सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया, प्रेसिपिट को सेपरेट कर लिया, दोबारा दूसरे को प्रेसिपिट कराया, पूरी सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया, जो प्रेसिपिट हुआ उसको अलग कर दिया, ऐसे एक एक करके सबको प्रेसिपिट कराएंगे। लेकिन उसके लिए केएसपी में डिफरेंस होना चाहिए सबको, सबके केएसपी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो हम सेलिब्रिटी अगर डिफरेंट नहीं होगी तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। और बेस्ट एग्जांपल है, सेम एग्जांपल मैं दूंगा, जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था, जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया है सेम एग्जांपल दूंगा मैं, जो मैंने लेक्चर्स में दिया हुआ वही एग्जांपल दूंगा मैं। सपोज पॉइंट, तुम्हारे पास पॉइंट वन मोलर, ताकि समझने में ईजी रहे, पॉइंट वन मोलर सीएल माइनस है, पॉइंट वन मोलर तुम्हारे पास पॉइंट वन मोलर ईच ऑफ सीएल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस है, और इनको तुम्हें सेपरेट करना है, और इनके केएसपी दे रखे हैं, केएसपी ऑफ एजीसीएल 10^-10, केएसपी ऑफ एजीबीआर 10^-13 है, केएसपी ऑफ एजीआई 10^-16 है। तुम्हें एक एक करके सबको सेपरेट करना है, और तुम्हें यह बताना है, मान लो किसी का एक का प्रेशर, मान लो एजीआई का प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया, तो तुम्हें बताना है ये कितना प्रेसिपिट हो जाएगा जब इसका प्रेसिपिट बनना स्टार्ट होगा। ऐसे ही एजीबीआर अगर प्रेसिपिट होने लग गया है तो इसका कितना प्रेसिपिट बन जाएगा जब एजीसीएल प्रेसिपिट बनना स्टार्ट होगा। कौन बता सकता है आंसर इसका? कौन, किसी को पता आंसर कैसे निकालना है इसका? कौन कौन कर सकता है खुद इसको? कौन कौन इसे खुद कर सकता है? चलो एक बार, एक मिनट का टाइम है। हाँ वेदांत कर सकता है, और कोई? बाकी तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से इसका। चलो एक बार, एक मिनट का टाइम है, जल्दी से करना, फिर मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूँ।
चलो वेदांत निकाल लिया आंसर क्या? यस सर। क्या है आंसर वेदांत? सर 99.9% पीपीटी बन जाएगा। किसका? सर एजीबीआर का, जब मतलब जब एजीबीआर को रीच करेंगे तो एजीआई का। एजीआई का बिल्कुल सही आंसर है। चलो देखेंगे, देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब 84 का पेपर चेक करोगे आईआईटी एडवांस का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए। उसमें हल्का सा बेटर क्वेश्चन था क्योंकि उसमें एक सॉल्ट देखा था एवी टाइप का और दूसरा सॉल्ट जो था वो ए बी टू टाइप का, और उस टाइम मैंने वो क्वेश्चन करवाया हो तुम लेक्चर्स में हो क्या पता क्वेश्चन ए जी आई और एच जी टू आई टू करके था। था वेदांत क्वेश्चन ये? सर आपने लेक्चर में एजीआई और HG2I2 करवाया। हाँ वही वो आईआईटी वाला क्वेश्चन है ना 84 का। देखो सर ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, यहाँ पर तुम्हारे पास 0.1 मोलर Cl- Br- I- तीनों प्रेजेंट है, ये तीनों प्रेजेंट है और ऊपर से तुम ग्रेजुअली डाल रहे हो Ag+। बहुत ध्यान समझना, स्कूल में नहीं पूछेंगे क्वेश्चन ये, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। Ag+ डाल रहे हैं ऊपर से, धीरे धीरे करके डाल रहे हैं Ag+। मेरे को देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों सॉल्ट ए बी टाइप के हैं जिसका केएसपी, जिस सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? एजीसीएल की है। याद भी रख लेना इनकी केएसपी वैल्यूज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है केएसपी वैल्यूज भी, कि एजीसीएल की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है देन एजीपीआर देन एजीआई। सही ना, वो तुम्हें हल्का सा तुम सोचोगे तो तुम्हें पता भी लग जाएगा कि एजीआई मोस्ट कोवेलेंट है, सॉलिबिलिटी कम होगी। एजीसीएल में कुछ है तो ये भी कोवेलेंट, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा इसका तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, ऐसा करके भी सोच सकते हो। नहीं तो टॉपिक पढ़ोगे सॉलिबिलिटी वाला तो उसमें समझ आ जाएगा ढंग से। अब इसके अंदर AgCl जो है इसकी सॉलिबिलिटी 10^-10 है, सॉलिबिलिटी इसकी 10^-5 हो जाएगी, AgBr की सॉलिबिलिटी 10^-6.5 हो जाएगी और AgI की सॉलिबिलिटी 10^-8 हो जाएगी। नेचुरल सी बात है जिसकी सॉलिबिलिटी कम है उसका प्रेसपेट जल्दी बनेगा, सबसे जल्दी इसका AgI का बनेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो तुम्हें ये ट्राई करना है कि जो कॉमन आयन है ना उसकी वैल्यू निकालनी। मैं Ag+ डाल रहा हूँ ऊपर से तो किसका प्रेसपेट सबसे जल्दी बनेगा? AgI का, AgBr का, AgCl का। तो उसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ कम से कम Ag+ कितना चाहिए, Ag+ मिनिमम टू प्रेसिपिटेट से AgI, वो कितना चाहिए? वो Ksp ऑफ AgI डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ आई माइनस। तो Ksp ऑफ AgI कितना है? वो है 10^-16 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ गया 10^-15। कम से कम इतना चाहिए और इससे ज्यादा ही होगा Ag+ का कंसेंट्रेशन तो ही प्रेसपेट बनेगा, कम से कम इतना चाहिए। इस पे तो सॉल्युबल हो जाएगा, मिनिमम इतना है जो चाहिए, इससे ज्यादा ही चाहिए टू प्रेसिपिटेट। और ऐसे ही Ag+ मिनिमम टू प्रेसिपिटेट AgCl कितना, AgBr कितना होगा? Ag+ मिनिमम टू प्रेसिपिटेट AgBr 10^-13 डिवाइड बाय 0.1, यानी ये कितना आ जाएगा 10^-12, इतना चाहिए। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही Ag+ मिनिमम टू प्रेसिपिटेट AgCl, ये हो जाएगा 10^-10 डिवाइड बाय 0.1, यानी 10^-9। समझ आ गया कि नहीं है? तो अब बताओ सबसे पहले कौन सी वैल्यू रीच करेगी जब हम Ag+ ऊपर से डाल रहे हैं, जो सबसे कम वैल्यू है। सबसे कम कितनी है? 10^-15। इसलिए AgI का प्रेसपेट बनना सबसे जल्दी स्टार्ट होगा, सबसे कम ये। मैं तीनों में चेक कर लिया कॉमन आयन निकाल के, इसके Ag+ को निकाल लिया, इसके Ag+ को निकाल लिया, इसके Ag+ को निकाल लिया। देयरफॉर Ag+ मिनिमम टू प्रेसपेट AgI, सिंस इट इज द लीस्ट देयरफॉर AgI विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। एक बार हैंड्स करेंगे जिसको समझ आ गया, इतना जिसको इतना समझ आ गया जल्दी से हैंड्स कर देंगे एक बार। आदित्य, अर्णव, वेदांत, कनिष्क, बॉबी, नित्या, गर्व, काजल, छवि, जानवी, कृष्णा, युविका, देवांशी, मयंक, शिखा, सिद्धि, और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। आर्यमन, साक्षी, देखो तो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। अब इतना समझ आ गया ना, अब आगे वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब मेरे को इतना पता लग गया कि एजी प्लस एजीआई विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, एजीआई विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। अब एजी बीआर का प्रेसिपिटेट कब बनना स्टार्ट होगा, एजी बीआर का प्रेसिपिटेट बनना कब स्टार्ट होगा, जब एजी प्लस कितना होगा, एजी प्लस इज इक्वल टू 10^-12 इतना हो जाएगा। अभी मैंने निकाला पीछे तुमने कॉपी में लिखा होगा, एजी प्लस इज दिस मच टू प्रेसिपिटेट एजीबीआर। तो जब इसका प्रेशर बनना स्टार्ट होगा एजीबीआर का इतने कंसंट्रेशन पे एजी प्लस के, तो एजीआई कितना प्रेशर बन चुका है ये निकालना है। तो केएसपी ऑफ एजीआई इज इक्वल टू 10^-16 है, विच इज इक्वल टू एजी प्लस इनटू आई माइनस इज इक्वल टू 10^-16। केएसपी से मैं वैल्यू निकालूंगा आई माइनस की, एजी प्लस कितना लूंगा ये वाला, इस पॉइंट पे आई माइनस कितना बचा सॉल्यूशन के अंदर ये निकालेंगे। एजी प्लस कितना है 10^-12, ये कहां से लिया मैंने, जब एजीबीआर का प्रेशर बनना स्टार्ट होगा, इनटू आई माइनस दिस विल बी लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन मींस कितना सॉल्युबल है अभी 10^-16। तो आई माइनस लेफ्ट हैंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10^-4, इतना मोलर आई माइनस अभी भी सॉल्यूशन में बचा हुआ है। अभी मतलब ये है कितना, बहुत ही कम, कितना था आई माइनस स्टार्टिंग में, आई माइनस स्टार्टिंग में था 0.1 था ना, अब बचा कितना 10^-4 मोलर, दैट मींस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ एजीआई और ऑलमोस्ट ऑफ ऑल ऑफ आई माइनस इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन एजीबीआर स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। तो आई माइनस सारा ही खत्म हो चुका है, इसका मतलब 10^-4 बचा ना, परसेंटेज कितनी बची इसकी, तो परसेंटेज ऑफ आई, मैं ऊपर थोड़ा सा रब कर रहा हूं, आई माइनस देखो आई माइनस लेफ्ट परसेंटेज ऑफ आई माइनस, परसेंटेज ऑफ आई माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू 10^-4 0.1 × 100 यानी 0.1%, 0.1% आई माइनस सॉल्यूशन में है सिर्फ, अभी 0.1% आई माइनस सॉल्यूशन में है, यानी 99.9% इज ऑफ आई माइनस इज प्रेसिपिटेटेड। ये एक पार्ट निकाल दिया मैंने। ऐसे ही जब एजी सीएल का प्रेसिपिट बनना स्टार्ट होगा तो एजीबीआर कितना परसेंट प्रेसिपिट बन चुका है ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालना है कि एजी सीएल का जब प्रेसिपिट बनना स्टार्ट होगा तो एजीबीआर कितना परसेंट, वो भी 99.9% आएगा, वो तुम खुद निकालोगे। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन जिसको समझ आ गया जल्दी से। आदित्य, वेदांत, गणेश, छवि, काजल, युविका, अर्णव, बॉबी, नित्या, साक्षी, जानवी, मयंक, देवांशी, शिखा, आर्यमन, कृष्णा, सिद्धि, किसी को डाउट है दोबारा पूछना है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट दूंगा आप सीधा। तुम किसी को डाउट तो नहीं है इसमें भी, चलो फिर मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन समझ आ गया। नेक्स्ट अब है फ्रैक्शनल और देखो, अभी तुमने जब सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम करनी थी, किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम करनी है तो मैंने क्या किया, उसके अंदर कॉमन आयन डाल दिया, ठीक है, पानी के अंदर नॉर्मल सॉल्युबिलिटी आती है और कॉमन आयन लगा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब ऐसे ही अगर मैं ऑड आयन लगा दूंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एक तरह से तुम इसको ऑड आयन इफेक्ट कह सकते हो या ये क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इन, इसमें एक ही क्वेश्चन आना है, सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया या ऑड आयन इफेक्ट कह लो, ऑड आयन इफेक्ट, ये भी कॉमन आयन इफेक्ट जगह ऑड आयन इफेक्ट, यानी देखो एक कॉमन आयन होता है जिसमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ऑड आयन इफेक्ट में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और अब जो मैं बताऊंगा ना इसके सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। मान लो AgCl है, न्यूमेरिकल तो नहीं करा रहा मैं, भी कंसेप्ट दे रहा हूं उसका, AgCl है सॉलिड फॉर्म में, ये टूटेगा एजी प्लस प्लस सीएल नेगेटिव, अभी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है इसकी, सही ना, अभी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। अब मैंने तुम्हें बोला इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो जैसे अमोनिया के अंदर, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो अमोनिया के अंदर, तो अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है एजी प्लस को एब्जॉर्ब करने की,
एजी प्लस को देखते ही अमोनिया पकड़ लेगा और ये कम्प्लेक्स बना देगा, और ये बहुत स्टेबल कम्प्लेक्स होता है, ये बहुत स्टेबल कम्प्लेक्स है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। इसका फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट जैसे इसका KSP जैसे होता है ना, अब KSP AgCl का कितना होता है, KSP AgCl का है 10^-10 के ऑर्डर का, ये KSP है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है अभी, जो इसका फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट है ना वो होगा 10^8 के ऑर्डर, 10^8 के ऑर्डर का होगा। KSP की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, KSP होगा हमारा Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव, और जैसे 0.1 मोलर AgCl को डिजोल्व करना है तो उसके लिए अमोनिया का कितना कंसंट्रेशन चाहिए, अगर फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट AgNH3 होल ट्वाइस प्लस का 10^8 है, अगर मेरे को 0.1 मोलर AgCl को डिजोल्व करना है तो Kf की वैल्यू जो होगी वो हमें पता है क्या होती है, Kf इज इक्वल टू AgNH3 होल ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाय Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू NH3 का स्क्वायर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है सर, क्वेश्चन क्या एक बार फिर से बता दो। मैंने बोला कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 0.1 मोल ऑफ AgCl, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 0.1 मोल ऑफ AgCl इफ KSP ऑफ AgCl इज 10^-10 एंड फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ दिस इज 10^8। ये अब KSP मैंने तुम्हें दे दिया है, KF दे दिया है, अब तुम इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो KSP इनटू KF, देखो क्या गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना मतलब दोनों को ऐड करना है इन दोनों को, देखो इसको और इसको ऐड करो ऊपर पूरी इक्वेशन, देखो AgCl ये कैंसिल हो जाएगा, Ag+ क्या आ जाएगा AgCl प्लस 2NH3 gives AgNH3 whole twice plus plus Cl negative plus Cl negative, ये आ जाएगा सीधा, तो KF ये आ गया। अब KSP into KF निकालना होता है तुम्हें, KSP into KF ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा KSP into KF, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, Ag+ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाना चाहिए अब AgNH3 whole twice plus into Cl negative divided by जाएगा Ag+ कैंसिल NH3 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट बता दिया इसका, डायरेक्ट कैसे निकलेगा क्वेश्चन, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया किस तरह से क्वेश्चन निकलेगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और क्लियर होगा, अभी तुम सिर्फ कंसेप्ट नोट कर लेना, मैंने KSP का फॉर्मूला लिखा है, KF का फॉर्मूला लिखा है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों होंगे इक्वल, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और Cl नेगेटिव क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये भी प्रोडक्ट में है, देखो इधर ये भी इधर प्रोडक्ट में है, ये एक्स मान लो ये एक्स मान लो, तो ये आ गया, अगर और शॉर्ट में करना फॉर्मूला तो ये आ जाएगा x² / NH3 का स्क्वायर, न्यूमेरिकल कराऊंगा ना उससे ज्यादा क्लियर होगा, या एक न्यूमेरिकल तुम लिख लो जल्दी से, एक न्यूमेरिकल लिख लो तुम, लिखो क्वेश्चन लिखना जल्दी से लिख लो क्वेश्चन, डिटरमाइन या कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ NH3
कैलकुलेट कंसंट्रेशन एस थ्री हूज 1 लीटर कैन डिजोल्व 1 लीटर कैन डिजोल्व 0.1 मोल ऑफ AgCl. AgCl KSP दे रखा है AgCl का और KF दे रखा है. KSP मैंने तुम्हें दे रखा था, AgCl का कितना था 10^-10 था, 10^-10. और KF की वैल्यू ले लेना 1.6 × 10^7. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने यही क्वेश्चन तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो ना, मैंने कंसेप्ट समझाते समय यही बोला था तुम्हें रिस्पेक्टिवली. और ये क्वेश्चन आया हुआ 99 में आया हुआ है रुड़की के अंदर. रुड़की अब IIT में आ चुका है, बोला IIT का ही क्वेश्चन है ये. जल्दी से ट्राई करेंगे, एक मिनट का टाइम दूंगा तो जल्दी से आंसर बोलो. इजी कैलकुलेशन है इसके. हाँ, निकाला किसी ने आंसर इसका? वेदांत किया क्वेश्चन ये? वेदांत 2.5. वेदांत एक सिली मिस्टेक कर गया तू. तूने बिल्कुल सही किया, बोला लास्ट में छोटी सी गलती कर गया. चलो एक बार रीजॉइन करना, 8-10 मिनट के लिए रीजॉइन करना, मैं एक बार ये क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें. एक बार रिज्वाइन करेंगे.